नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, जनरल सेक्रेटरी शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन पंजाब से। नौजवान पूरे भारत में अलग अलग मसलों में फंसा हुआ है, रोज़गार, बेरोज़गार, बेरोज़गारी की बात को लेकर, नशे को लेकर और भारत की राजनीति को लेकर नौजवान देख रहा है कि वो जाए कहाँ पर। भारत की कोई भी स्टेट हो, बड़े स्तर पर नौजवान आज स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, डिग्री कर रहा है, पर सरकार जो सत्ता में है, चाहे पहले वो कांग्रेस रही हो, आज भाजपा भारत की सत्ता पर बैठी हुई है। तो भाजपा में नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो था कि साल में 2 करोड़ रोज़गार का बंदोबस्त करके देगा, पर आज तक 2 करोड़ रोज़गार साल भर का देना तो क्या, कोरोना पैंडेमिक में लगभग 14 करोड़ लोगों का रोज़गार चला गया। तो इस बात को लेकर नौजवान चिंतित है अलग अलग स्टेट का। तो आज हमने केरला कोड़िकोट में अलग अलग स्टेट के यूथ को, जो अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको इकट्ठा किया और 2 दिन हमारी मीटिंग इधर चलता रहा, जिसमें हरी दासन है, रेवोल्यूशनरी यूथ ऑफ केरला के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, और हरी वलागन जो तमिलनाडु यूथ फेडरेशन से है, वो भी हमारे साथ रहा। इनके साथ शशि और इन तमिलनाडु का सारा साथी लोग हैं। परमिंदर अलीका हरियाणा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से है, जो शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिछले समय में लगातार राजनीतिक तौर पर भी हर एक्शन में ये शामिल रहा। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ से मनहरन है, जो लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और मजदूरी का काम करते हैं, बड़े अच्छे से काम करते हैं और यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं छत्तीसगढ़ से, वो भी मेरे साथ हैं। और धनंजय महाराष्ट्र से आते हैं और अच्छे समय से लगातार महाराष्ट्र के यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में शहीद भगत सिंह यूथ एंड स्टूडेंट मंच एक गठित किया हुआ है और काफ़ी अरसे से यूथ को लेकर ये लड़ रहा है। तो हमने लगभग 6 स्टेट से अलग अलग यूथ इकट्ठा हुआ, अलग अलग यूथ ऑर्गेनाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करता है। तो हम पंजाब, हिमाचल और राजस्थान, J&K में भी लगातार यूथ के संपर्क में है। तो इधर साउथ का लोग ये भी गतिविधि में है, महाराष्ट्र का लोग है। तो अभी हमने 2 दिन की मीटिंग में ये तय किया है कि अलग अलग यूथ फेडरेशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और ऑल इंडिया लेवल पर एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा, क्योंकि भारत की राजनीति में यूथ बिल्कुल निचले स्तर पर जा रहा है, यूथ राजनीति से पीछे जा रहा है। और उसके अलावा यूथ का जो मसला है, रोज़गार का, सेहत का, एजुकेशन का, वो सरकार की पॉलिसी लगातार उस पर ऐसा हमला कर रही है कि यूथ को पता नहीं चल रहा है कि भारत में करे तो क्या करा, वो इनसिक्योर फील कर रहा है। बड़े स्तर पर लड़कियां जो आज पढ़ाई में, स्टडी में आगे आ रही हैं, उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी भारत में रह नहीं रही। तो हमने ऑल इंडिया लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित किया है, जिसमें 6 स्टेट का जो यूथ फेडरेशन है, इसका सभी लोग हर स्टेट से 5, 7 या 3, 4 ऐसा लेकर हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित किया है। मेरे साथ हरिदासन है, रेवोल्यूशनरी यूथ केरला से को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूँ कि हरिदासन अपनी भाषा में, हरिदासन कुछ बात केरला के नौजवानों से और भारत के नौजवानों से करे और बताए कि हमने एक कमेटी गठित किया है और हम चाहता है कि भारत का यूथ लड़ने के लिए आ गए आए। तो भगत सिंह का रास्ता, चंद्रशेखर आज़ाद का रास्ता, टीपी चंद्रशेखर जैसे कॉम्रेड का रास्ता, ये अच्छा है, लड़ना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पर हम करना चाहता है। हरिदासन को मैं कहूँगा कि वो जरूर अपनी बात कहे। हरिदासन, रेवोल्यूशनरी यूथ केरला स्टेट कमिटी की वी राज्यम वाले निर्णायक और प्रयास ठट कवसर कोड़ ഇന്ത്യക്കകത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവജന സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെ എത്തുകയും ചില കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായിട്ട്. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന സാമ്പ്രദായിക യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യധാര യുവജന വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി, പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഈ കൂടിച്ചേരൽ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ്. കേരളത്തിനകത്ത് പേരില്ലെങ്കിലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരം കൈയാളുന്നു എന്ന് പരക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന
ഇവിടത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള മറ്റ് ആശയ ചിന്തകളെല്ലാം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് സി പി എം ആണെങ്കിൽ തന്നെ സി പി എം ഒരു ഇടതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങളെ ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ടേമിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭരണം കൊണ്ട് അത് തുടരെ തുടരെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിനകത്തും തൊഴിൽ മേഖലക്കകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒക്കെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കകത്താണെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരണത്തിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുണ്ടാവുന്ന കുത്തവൽക്കരണത്തിനെതിരെ മറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഒരു പുതിയ ഇടതുപക്ഷ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സംഘടനകൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഹരിയാനയിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉള്ള സഖാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വരും നാളുകളിൽ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും കോർഡിനേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള ആദ്യ പടി എന്ന നിലക്കാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ റവല്യൂഷൻ യൂത്ത് കണക്കാക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. ഹരിദാസൻ ബാത് കിയാ ഇസ്കെ ബാദ് ഹരി വലഗൻ ജോ തമിഴ്നാടു തമിഴ്നാടു യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ കോ ലീഡ് കർത്താ വോ ബി ആപ്സേ ബാത് കരേഗ ഹരി വലഗൻ. അനേവർക്കും വണക്കം. എൻ പേർ ഹരിവലകൻ. തമിഴ്നാട് ഇളഞ്ഞ അമ്പിലിന്ന് പേശ്ര തോളറുകൾ അനേവർക്കും വണക്കം. இந்த ஒரு மாநாட்டில் தங்கள் எல்லா மற்ற பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் எனது இதயபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு, தோழர்களே, நாம் தற்போது என்னோட மாநிலத்தை குறித்து சிறு வார்த்தைகள் பேச விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டில் தற்போது போதை பழக்கங்கள் என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. இளைஞர்கள் முழுக்க முழுக்க தனது தவறான வழிபோக்கு வழிமாறி பயணித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆர்எஸ்எஸ் பாஜக கைகுலிகளின் கேலி கூடாரமாக தமிழ்நாடு மற்றும் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களை சரியான முறையில் வழியமைத்த நமது கட்சியின் அகில இந்திய அளவிலான ஒரு கூட்டமைப்பை, இளைஞர்களுக்கான ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கி அதன் மூலமாக தமிழ்நாடு இளைஞர்களை சரியான பாதையில் பயணிக்க செல்வது மற்றும் அவர்களை அரசு வேலைவாய்ப்பில் முன்னிலை வைப்பதன் விதமாக அவர்களுக்கு திறனாய்வு பயிற்சி அளிப்பது மற்றும் விளையாட்டு முறை ரீதியான முறைகளில் அவர்களை மனங்களில் பதிய வைப்பது, இந்த போதை பழக்கங்களிலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய அங்கங்கே கூட்டங்கள், போதை விழிப்புணர்வு இயக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது போன்ற முன்னோட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாடு இளைஞர் அமைப்பு சார்பாக நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். மேலும் உழைப்பு சுரண்டல் என்பது அனைத்து மாநிலங்களும் பொதுவாக உள்ளது, தமிழகத்தில் சற்று கூடுதலாகவே உள்ளது என நாங்கள் கருதுகிறோம். பிற மாநிலங்களிலிருந்து வரும் தொழிலாளர்களின் உழைப்புகளும் சுரண்டப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும் முதலாளிகள் அதிக உபரி லாபத்திற்காக மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து தொழிலாளர்களை கொத்தடிமைகளாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. இதை தமிழ்நாடு ஆர்எம்பிஐ சார்பாக நாங்கள் கண்டனங்களையும் தெரிவித்துக்கிறோம். ஏனால் அவர்களும் நம்மை போன்ற சக தொழிலாளர்கள்தான். அவர்களுக்கும் மற்ற தொழிலாளர்களைப் போல வழங்கக்கூடிய அனைத்து சலுகைகளும் ஊதியங்களும் சரியான முறையில் வழங்க வேண்டும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் அடுத்தகட்ட பயணத்துக்காக நாம் அனைத்து இளைஞர்களையும் ஒன்றுபடுத்தி ஒரு நல்லதொரு முன்னேற்ற பாதையில் பகத்சிங் வழியில் நாம் பயணிப்போம் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு நன்றி கூறி உரைபடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாடு சே ஹரி வலகன் நே பாத் கியா ஓர் இஸ்கே அலாவா மேரே சாத் மன்ஹர் ஹே சத்தீஸ்கர் சே ஜோ நௌஜவான் சபா கோ ரிப்ரசென்ட் கர்த்தே ஹே மன்ஹர். ஜி மே மன்ஹரன் யாதவ், நௌஜவான் சபா சத்தீஸ்கர் சே கன்வீனர். நௌஜவான் சபா கா மீட்டிங் ஆஜ் கேரல் கோஜிகோட் மே ஹுவா ஹே और हम राष्ट्रीय स्तर के नौजवान युवाओं के लिए संगठन बना रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखने के बाद भी
अच्छा शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा, तो साथ ही नौकरी ना मिलने की वजह से नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, साथ ही सरकार का नौजवान युवाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसको लेकर के छत्तीसगढ़ में नौजवानों को इकट्ठा करके संघर्ष और आंदोलन के रूप रेखा तैयार किया जाएगा, आने वाले समय में युवाओं को केंद्र स्तर पर इकट्ठा करने का हमारा योजना है। ये मनहर ने छत्तीसगढ़ से मजदूरी का काम करते हैं और नौजवानों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा भी बड़े स्तर पर। मेरे साथ धनंजय हैं जो महाराष्ट्र से हैं। धनंजय रिप्रेजेंट करते हैं शहीद भगत सिंह यूथ एंड स्टूडेंट मंच को। धनंजय, विल यू स्पीक समथिंग? यू नो मराठी और कोई चक्कर नहीं, जिस हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, कोई चक्कर। दोस्तों, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन जो बनने जा रहा है, इसके लिए मैं सबको बधाई दे रहा हूँ इस बात की, और मैं इस समय डॉक्टर अपने भूतपूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कोट आपको मैं याद दिलाता हूँ कि वो कोट है कि यूथ में भी रिबेल, यूथ में भी रिबेल। जो यूथ है वो उसके मन में सर्वपुरुष की आग होनी चाहिए, और यूथ जो आज जो चल रहा है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, जो पॉलिटिकल और जो घटनाएं घट रही है, यूथ ने इसके बारे में खुद पूरी तरह जांच करनी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए कि जो सत्ता में बैठे हैं वो कैसे प्रोपेगेंडा फैलाकर यूथ को गुमराह कर रहे हैं। नौकरी, महंगाई, इन चीज़ों पर से ध्यान भटकाने के लिए आपको कम्युनल और दूसरे छोटे छोटे मुद्दों पर आपको भटकाया जा रहा है, तो यूथ ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और मुझे आशा है कि धर्मेंद्र सिंह जो कि पंजाब से है, इन्होंने इनिशिएटिव लेकर ये जो सभी यूथ को इकट्ठा करने का काम किया है, हम सभी स्टेट की तरफ से उनको बधाई देते हैं, और आगे की जो कामकाज है, जो आगे का जो कार्यवाही होगी वो सभी लोगों के साथ मिलजुल कर होगी। धन्यवाद। धनंजय ने जो महाराष्ट्र से मेरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके साथ महाराष्ट्र का और लोग भी है, तो सभी ने कहा। मेरे साथ परमिंदर है, मैं चाहता हूँ भाई परमिंदर से भी कोई परमिंदर भी दो शब्द जरूर कहे, क्योंकि हरियाणा में अच्छा यूथ का मूवमेंट है, वहाँ पर परमिंदर शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन की तरफ से लीड कर रहा है। परमिंदर। हाँ जी साथियों, मैं परविंदर अलीका हरियाणा से। आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हम आशा करते हैं कि पूरे देश में इसी तरह से सभी जो संगठन है एक मंच पर आकर एक हम सरकार को चुनौती देने का काम करें, क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई तो बड़े 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद आज देश का युवा बढ़ कर आया सड़कों पर, लेकिन उसको रोज़गार का कोई प्रबंध नहीं है। हम यही मांग करते हैं कि देश के युवा से एक मंच पर आएं और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें, सरकार को चुनौती दें। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, यह बहुत बड़े सत्र का मुद्दा है, हम इसको लेकर एक बड़ी चुनौती दें और आगे एक लंबी लड़ाई शुरू करने का काम करें। हरियाणा में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हरियाणा सत्र पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। जो हरियाणा का युवा है, पंजाब की युवा है और अन्य राज्यों के युवा हैं, वो उनको रोज़गार न मिलने के कारण वो नशे की ओर धकेला जा रहा है। हम यही मांग करते हैं एक बड़े सत्र पर सभी मिलकर, आज हमने
साथियों ने बैठकर एक मंच पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जो आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई देने का काम करेंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये परमिंदर है, मैंने आपको सभी से इंट्रोड्यूस किया, वीडियो जरूर लंबा होगा, सभी से कहूँगा कि ये आखिर तक जरूर देखना। और जो यूथ विजनलेस है, जिसको रास्ता नहीं दिख रहा है, उसके लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। अकेला हम लोग सभी कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में या हिमाचल में लगा हुआ है, इधर केरल में ये लोग लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा है, छत्तीसगढ़ में लगा है, तो इसको एक मोबिलाइजेशन करने का कोशिश कर रहा है तमिलनाडु वाला है। तो हम पूरे भारत के स्तर पर एक बड़े स्तर पर एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का आज गठित कर दिया है, और आने वाले दो महीने हम इस पर काम किया रहेगा। मैं दोबारा से केरल में आऊँगा, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में भी जाऊँगा, इधर का लोग भी आएगा, तो उसके बाद हम दो महीने के बाद एक फॉर्मल मीटिंग रखेगा दो दिन के लिए, जिसमें अलग अलग स्टेट से लगभग 40 डेलीगेट शामिल होंगे। ये मीटिंग रहेगा दिल्ली में, दो दिन ये मीटिंग चलेगा, तो उसमें हम ऑल इंडिया लेवल पर सभी कैसा यूथ मूवमेंट अलग अलग स्टेट में चल रहा है, यूथ कैसे लड़ रहा है, संगठन का क्या हालात है अलग अलग स्टेट में, उस पर सभी डिस्कस करके एक बड़े लेवल पर प्रोग्राम बनाएगा, जिसको लेकर होमवर्क आज से अलग अलग स्टेट शुरू करेगा, और आने वाले समय में जो दिल्ली में मीटिंग रहेगा, दो दिन में अच्छी मीटिंग डिस्कशन होगी, उस दो दिन की मीटिंग में हम तैयारी करेगा ऑल इंडिया लेवल पर एक यूथ का अच्छा एक मूवमेंट, एक ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छा बड़ा संगठन बनाने के लिए, तो जिसमें बड़े स्तर पर यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी और यूथ को संघर्ष में लेकर आने का जो हम प्लान कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जो यूथ, चाहे वो लड़की हैं, लड़के लोग हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, जो ये सुन रहा है, जो बेरोजगारी का संताप, जो बेरोजगारी में है, तो वो सब लोग ये सुने भी, इसको शेयर भी करें, और इसके अलावा इस मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए केरल में मैंने जैसे बताया रेवोल्यूशनरी यूथ है, शहीद भगत सिंह यूथ फेडरेशन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में काम कर रहा है, शहीद भगत सिंह यूथ एंड स्टूडेंट मंच महाराष्ट्र में काम कर रहा है, नौजवान सभा छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, तो इनके साथ जुड़े, तमिलनाडु यूथ फेडरेशन तमिलनाडु में है, उनके साथ जुड़े, और अलग अलग स्टेट में ये बात जाए, एक अच्छी बात से बनने जा रही है, और इसमें आप सभी का सहयोग जाएगा, क्योंकि आज एक भगत सिंह से इंकलाब नहीं आएगा, हज़ारों की तादाद में भगत सिंह हमको चाहिए। इसके लिए हम गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर लगातार जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लंबे अरसे से कर रहे हैं, और आज के दिन कोड़ीकोट में ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर एक अच्छा नींव रखा है यूथ की तरफ से, तो आशा करता है बड़े स्तर पर हमारा जी अच्छी आगे मीटिंग भी चलेगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बनेगा, और ऑल इंडिया लेवल पर एक संगठन जल्द बनकर आएगा, और यूथ और स्टूडेंट के लिए पूरे भारत में जो मूवमेंट बनाने का हमारी कोशिश है वो कामयाब होएगा। धन्यवाद।